बालाघाट में शासकीय सीनियर आदिवासी बालक छात्रावास से दो मासूम बच्चों के बिना बताए चले जाने के बाद 24 घंटे में पुलिस ने पुणे थाना क्षेत्र के सिगरापुर से बच्चों को बरामद किया है। अधीक्षक महेश सिंगारे ने पुलिस को बताया कि 29 मार्च को मेरी और वाटरमैन की गैर मौजूदगी में करीब 1:30 बजे आंचल में पढ़ने वाले अंकित पिता रूप सिंह ठाकुर 17 वर्ष 11 माह निवासी उमरवन, आयुष पिता छतर सिंह मौर्य 17 वर्ष 1 माह निवासी गवलिया बाड़ी बिना बताए अचानक चले गए। दोनों 11वीं कक्षा में अध्ययनरत हैं। थाने पर आने के बाद अंकित व आयुष ने पुलिस को बताया कि वे खलघाट से करीब 4 किलोमीटर दूर जाकर एक आयशर वाहन में बैठे उन्होंने मुंबई जाने की बात कही, किंतु आयशर वाहन चालक की बच्चों से बीच में बातचीत हुई। उसे लगा कि बच्चे गलत दिशा में जा रहे हैं। उसने तत्काल पुलिस को सूचना देकर पुणे के पास एक पुलिस स्टेशन पर पहुंचाया। खास बात यह थी कि दोनों बच्चों के पास जेब में कोई पैसे नहीं थे। दोनों से पूछा गया, दोनों ने मुंबई काम की तलाश में जाना बताया। इधर थाना प्रभारी राजकुमार यादव ने बताया कि शिकायत के बाद से ही पुलिस हरकत में आ गई थी। सभी जगह बच्चों की सूचना दी गई। जैसे ही चालक द्वारा सूचना मिली, तत्काल टीम तैयार कर पुणे रवाना किया गया। 24 घंटों में बच्चों को माँ बाप के सुपुर्द कर दिया गया। कल दो बच्चे के भागने का एक मामला था, क्या है मामला? सर ये मामला कि 29/3/2022 को 12 बजे मतलब मैं छुट्टी लेके मेरी लड़की हॉस्पिटल में भर्ती थी हम लोग में, तो मैं छुट्टी लेके आधे दिन के आ गया था। फिर मेरा कार्यभार श्री प्रवीण नागर को मैंने सौंपा था, और सौंपने के बाद जब मैं आया मेरे बच्चे को हॉस्पिटल में जो भर्ती थी उसको मैं छुट्टी करवा के घर गया, और इससे में इतने में मेरे पास फोन आया प्रवीण नागर वाटरमैन का कि आप दो बच्चे जो वो है आयुष पिता छतर सिंह और आयुष पिता छतर सिंह और अंकित पिता रूप सिंह, ये दोनों बच्चे हॉस्टल से बाहर घर के लिए निकले। मैं तुरंत हॉस्टल में वापस गया मेरे बच्चे को छोड़ के। फिर मैंने पूरी नर्मदा पट्टी में दोनों बच्चों को मैंने ढूंढा, और उसके बाद मैंने माता पिता को मैंने सूचना दी, लिखित में भी दी, दूसरे दिन मैंने 30 तारीख को मैंने लिखित में दी, और 29 तारीख को मैंने मौखिक दी, चूँकि और मैंने वरिष्ठ कार्यालय को मौखिक रूप से मतलब मोबाइल पे अवगत करवाया। और फिर बच्चे 30 तारीख तक खोजते रहे, कोई पता नहीं चला, और 30 तारीख जैसे हमको पता चले, मैं यहाँ साहब जो हमारे मिश्रा जी हैं वो, और हम गाड़ी लेके डायरेक्ट पुणे गए, और पुणे से हम बच्चों को रिसीव करके वापस हम थाने लिया। क्या कारण रहा, क्या होता है, क्यों बच्चों ने ऐसा काम करा? दो बच्चे आयुष पिता छतर सिंह और अंकित पिता रूप सिंह, ये दोनों बच्चों ने छात्रावास में तोड़फोड़ करी थी, तो मैंने इस तोड़फोड़ की जानकारी मैं इनके माता पिता को अवगत करवाई, और अवगत करवाने उनके माता पिता ने ये कहा था कि हम 3 बजे तक आ जाएंगे, उसी डर के मारे ये हॉस्टल से बाहर हो गए। आपका नाम? महेश सिंगारे, अधीक्षक शासकीय आदिवासी बालक छात्रावास। सर कल थाने पे दो बच्चों की गुमशुदगी दर्ज हुई थी हॉस्टल के, क्या है पूरा मामला? कल हॉस्टल अधीक्षक खलगाड़ ने रिपोर्ट किया था कि दो बच्चे हमारे यहाँ से मिस हो गए हैं। उनकी तत्काल FIR दर्ज की गई थी और पुलिस की एक टीम लगाई गई थी उनको तलाशने के लिए। उसी दौरान सूचना मिली थी कि ये बच्चे एक आयसर में बैठ के पूरे तरफ जा रहे हैं, तो वहाँ पुणे में एक आयसर वाले से संपर्क किए थे, और वहाँ पुणे के संबंधित थाने में उनको रोका गया था, और वहाँ से टीम भेज के उनको दस्तयाब किया गया। बच्चों के साथ कोई घटना घटित नहीं हुई। प्रथम दस्तयाब उनके द्वारा बताया गया कि हॉस्टल अधीक्षक ने डांट दिया था, इस कारण से चले गए थे। उनके माँ बाप के सपोर्ट उन बच्चों को किया जा रहा है। आपका नाम? राजकुमार यादव, थाना प्रभारी धामनौद। धामनौद से गोलू मेवाड़े की रिपोर्ट।